अगली खबर में बात करते हैं सिगरौली की, जहां जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर की तीसरी मंजिल में मेल वार्ड में भर्ती मरीज प्रद्युमन बिंद 32 साल को 2 दिनों पहले भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि आधी रात को मरीज प्रद्युमन सीसा फोड़कर नीचे जमीन पर कूद गया, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। कोतवाली पुलिस ने PM कराकर तफ्तीश शुरू कर दी है। तीसरी मंजिल से कूदने की वजह क्लियर नहीं है, पुलिस जांच के बाद ही कुछ क्लियर होगा। किस वजह से प्रद्युमन ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई है, मौत के बाद परिजनों में मातम छाया है। मृतक के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भाई वो फोन सुबह हम लोग सुने कि नहीं ऐसे ऐसे हो गया प्रद्युमन, तो हम लोग आए देखने ताकने, तो वही देखे थे ऊपर से गए देखे, शीशा से शीशा फूटा हुआ है, दल्ला से गिरा हुआ है। इसके बाद फिर आए तो वहाँ से लाश भी नहीं था, लाश मंचूरिया में शायद उठा के रख दिए थे। तो कैसे हादसा हुआ ये? हादसा तो अब पता नहीं कैसे हुआ, वो लोग तो बताते हैं कि उनके आजू बाजू वाले जो बेड वाले बाजू वाले बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो थे वो लोग सब उनकी माँ उनकी सासू माँ थी, तो उनको बोली कि नहीं सो जाओ तुम लोग, वो लोग सो गए हैं नका की। अब वो पता नहीं कब उठा कब का किया, कहाँ उधर गया पानी पीने नका किए करने, वहाँ से जब वही जहाँ फ्रीजर पानी है वहीं से अपना पिया, पानी वानी पिया नका किया, वहीं से शीशा से अपना उसको का हुआ का नहीं, अंदर से बीमारी था नका था, अजीब लगा का लगा नहीं, पता नहीं कैसे टांग दिया। परिजन लोग आए हैं? सब लोग परिजन लोग हैं, उसके चाचा ओचा तो हैं नहीं, उसके भाई भाई है तो गया है, अभी लगता है थाने में गया है वो पुलिस पास। ठीक है।